विशाल सा ट्रक। ये कहानी शुरू होती है भोपालपुर गांव से। उसी गांव में दिनेश नाम का चोर रहता था। दिनेश ही पुरानी गाड़ी को चोरी करके भंगार के दुकान में बेचा करता था। जो पैसा मिलता था उससे दिनेश खुश हो जाता था। एक दिन दिनेश भंगार के दुकान को जाता है। देखता है विनोद पुरानी गाड़ी को नए गाड़ी में बदलकर ज्यादा दामों में बेचा करता है। ये देखकर दिनेश हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे लाए गए पुरानी गाड़ी को बेचकर 50,000 लेता है लेकिन मुझे 5,000 देता है। दिनेश अपने आप पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसी जंगल के पास में बहुत सारी पुरानी गाड़ी पड़ी थी। उसी पुरानी गाड़ी के अंदर इच्छाधारी नागिन रहती थी जो अपना घर बनाकर रहती थी। जो भी उस गाड़ी के पास जाता था उसे इच्छाधारी नागिन मार देती थी। एक दिन दिनेश पुरानी गाड़ी के तलाश में इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी उसे बहुत सारी पुरानी गाड़ी दिखी। ये देखकर दिनेश खुश हो जाता है। दिनेश पुरानी गाड़ी के पास जाता है। इस पुरानी गाड़ी को रिपेयर करके अच्छे दामों में बेचा करूंगा। तभी इच्छाधारी नागिन वहां आ जाती है। दिनेश नागिन को देखकर डर जाता है, वहां से भाग जाता है। अरे अब मैं क्या करूं, जब तक इच्छाधर नागिन नहीं मरेगी ये पुरानी गाड़ी मेरे हाथ नहीं लगेगी। रात होते ही दिनेश पुरानी गाड़ी के पास जाता है। देखता है इच्छाधर नागिन नहीं है। ये देखकर दिनेश खुश हो जाता है। तभी गाड़ी के ऊपर से इच्छाधर नागिन दिख जाती है। ए मेरे माता, तुम मुझे मारना चाहती हो मार दो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा काम है इस पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी में बदलना। मैं जानता हूं तुम्हारा ये घर है, अगर इस घर को नए घर में बदल दूं तो आपको भी अच्छा लगेगा। दिनेश की बातें सुनकर इच्छाधर नागिन खुश हो जाती है। अच्छा ठीक है, दिनेश पुरानी गाड़ी को रिपेयर करके नई गाड़ी में बदल देता है। ये देखकर इच्छाधर नागिन खुश हो जाती है। ए मेरी माता, हम दोनों इस गाड़ी में बैठकर गांव गांव घुमा करते हैं। दिनेश अपनी चालाकी से इच्छाधर नागिन को गाड़ी के ऊपर बैठा देता है और जोर जोर से गाड़ी चलाने लगता है, जिससे इच्छाधर नागिन गाड़ी के नीचे गिर जाती है। दिनेश ये देखकर गाड़ी को लेकर भाग जाता है। अब ये गाड़ी मेरी है, इसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। दिनेश गाड़ी लेकर जा रहा था तभी इच्छाधर नागिन आ जाती है और दिनेश को मार देती है।